सो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वीप्लाई एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से आप इसी के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से वीडियो को पोस्ट कर सकते हो और किस तरह से इसी के अंदर वीडियो टेटेज बना सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सरफराज। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कर दीजिए और सर्च बार में टाइप कर दीजिए वीप्लाई लाइट। देख सकते हैं आपको सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं आपको ऑप्शन या एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका लोगो कुछ इस तरह का, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको कुछ परमिशन मांगे उसे अलाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए और परमिशन अलाउ करने के बाद प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ऐसे फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जीमेल अकाउंट से करना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करने के बाद जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम ऐसे जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं, आपकी ऐसी पोस्ट देख सकते हैं, आपने कितना वीडियो पोस्ट किया हुआ है आप इसे देख सकते हैं और देख सकते हैं आपने कितने वीडियो को लाइक किया, तो आपको ऐसे आपकी लाइक वीडियो मिल जाएंगी जो कि आपने वीडियो को लाइक किया। आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे आप देख सकते हैं आपकी आईडी मिल जाएंगी, यानी कि इस आईडी को आप आपको फ्रेंड सर्च करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल आ जाएंगे। देख सकते हैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लियर कैच के ऊपर क्लिक कर दीजिए और कैच साफ कर सकते हो और देख सकते हैं आपको ऐसे यूज़र एग्रीमेंट मिल जाएंगे, या फिर साइन आउट करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद साइन आउट भी कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन को फीडबैक देना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हम इसे बैक कर देते हैं और देख सकते हैं आपको एक मैसेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं आपको ऐसे मैसेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसे देख सकते हैं आप ऐसे कमेंट देख सकते हैं, ऐसे यानी कि आपको किसी ने आपकी वीडियो के अंदर कमेंट किया तो आप इसे कमेंट देख सकते हैं, फिर लाइक्स देख सकते हैं, आपकी वीडियो को किसी ने लाइक किया तो आप इसे बैक कर लीजिए। और बैक करने के बाद जैसे देख सकते हैं आपको ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। देख सकते हैं आपको म्यूजिक वीडियोस यानी कि मैजिकल वीडियोस मिल जाएंगी, मैजिकल पिक्चर्स मिल जाएंगे और देख सकते हैं आप इसे मैजिकल कट मिल जाएंगे, लव्स मिल जाएगा, आपको ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी यानी कि टेम्पलेट मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप इधर स्क्रॉल कर लीजिए और स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं आपको बहुत सारे वीडियो यानी कि आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, फनी टेम्पलेट मिल जाएंगे, यानी कि आपको ऐसे देख सकते हैं आप ऐसे बर्थडे टेम्पलेट मिल जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। किसी टेम्पलेट के ऊपर आपको वीडियो बनाना है, देख सकते हैं हम किसी के टेम्पलेट के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, देख सकते हैं उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं और अलाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने वो टेम्पलेट प्ले हो जाएगा और प्ले यानी कि आपने जो वीडियो बनाया किस तरह का दिखाई देंगे तो आपको ऐसे पहले दिखाई देंगे डेमो, और डेमो दिखाने के बाद देख सकते हैं आप स्टार्ट मेकिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं आपको ऐसे यानी इमेज अपलोड करना होगा, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसी के अंदर आपको सॉन्ग ऐड करना है तो ऐसे क्लिक करने के बाद सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, या फिर इस वाटरमार्क को हटाना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करने के बाद वाटरमार्क को हटा सकते हैं, बट इसी के अंदर आपको प्रो वाला वर्जन खरीदना पड़ेगा। और देख सकते हैं हम इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हम किसी भी इमेज को ले लेते हैं। किसी इमेज को लेने के बाद देख सकते हैं आप उसे क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग करने के बाद डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और डन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका रिजल्ट आपके शो हो जाएगा, यानी कि आपका वीडियो बनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप इसे देख सकते हैं हमारे वीडियो कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमारे वीडियो बनने के बाद। तो ऐसे देख सकते हैं आप ऐसे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं म्यूजिक ऐड करने के लिए ऐसे म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आप ऐसे म्यूजिक भी चूज कर सकते हैं, इसी के अंदर आपको बहुत सारे ढेरों सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, या फिर आपकी गैलरी में से म्यूजिक लेना चाहते हो तो लोकल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं आपकी यानी कि आपके म्यूजिक एल्बम में से जो म्यूजिक है तो आप ऐसे मोबाइल में जो के म्यूजिक हो तो आप ऐसे उन्हें ले सकते हो और देख सकते हैं म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यूज के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप ऐसे यूज कर सकते हो और देख सकते हैं मेक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं हमारी वीडियो सक्सेसफुल बन चुकी है और देख सकते हैं हमारी गैलरी के अंदर भी सेव हो चुके और आप इसी वीडियो को आपके देख सकते हैं आप वीडियो को आपको व्हाट्सअप के अंदर शेयर करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप के अंदर शेयर कर सकते हैं, फिर फेसबुक के अंदर शेयर कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर लगा सकते हो, या फिर मैसेंजर के अंदर शेयर कर सकते हैं, या फिर उधर को किसी सोशल मीडिया के अंदर शेयर करना तो ऐसे क्लिक करने के बाद शेयर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आपको लाइव वॉलपेपर के ऊपर लगाना है यानी कि आपके मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर लगाना है तो लाइव वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप इसे आपके वॉलपेपर को लगा सकते हो। देख सकते हैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो पोस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है
और देख सकते हैं हमारी वीडियो सक्सेसफुल पोस्ट हो चुकी है। और देखना है आपको वीडियो का, आपकी वीडियो पर कितना लाइक्स आया। और देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपकी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और देख सकते हैं आपकी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लाइक करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद लाइक कर सकते हैं, फिर कमेंट देखना चाहते हो तो इसे क्लिक करने के बाद कमेंट देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आपकी वीडियो को कितना लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर शेयर किया तो आप इसे देख सकते हैं, या फिर आप भी इसी के अंदर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस देख सकते हैं आपको शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अदर किसी सोशल मीडिया के अंदर इसे आप शेयर कर सकते हो। तो हम इसे बैक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और देख सकते हैं आपको देख सकते हैं आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं आप सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं आपको इसे सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज मिल जाएंगी जो कि आप व्हाट्सएप को स्टेटस के अंदर लगा सकते हो। और देख सकते हैं आपको स्टेटस सेवर मिल जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगाया है वो आपके फ्रेंड ने, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं आप ऐसे ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे देख सकते हैं आपके सामने पूरे स्टेटस आ जाएंगे जो कि आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके फ्रेंड्स ने लगाया हुआ है। और आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टेटस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी भी सोशल मीडिया के अंदर शेयर कर सकते हैं, या फिर पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं हम इसे बैक कर देते हैं और देख सकते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। देख सकते हैं आप उन्हें प्ले करना चाहते हैं तो उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उन्हें लाइक देना चाहते हैं तो इसे क्लिक करने के बाद लाइक देख सकते हैं, या फिर उन्हें कमेंट करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करने के बाद कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के अंदर शेयर करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप किसी भी अदर सोशल मीडिया के अंदर शेयर करना चाहते हैं इसे क्लिक करने के बाद शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद शेयर कर सकते हो। देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम इसे बैक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और होम वाले ऑप्शन पर चलते हैं और देख सकते हैं आप इसे सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आपके फ्रेंड की आईडी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।